हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, देख के मैं आज आई हुई हूँ हॉस्पिटल में। दोस्तों आज नहीं, मैं कल से ही आई हूँ। मतलब घर से निकली थी 3-4 बजे से। तो फ्रेंड्स, मैं ओटी कॉम्प्लेक्स के बाहर हूँ और मेरे हस्बैंड का जो है ऑपरेशन हो चुका है। तो वो ओटी कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिए गए थे ऑपरेशन थिएटर से। तो फ्रेंड, उनको ना मतलब वो क्या बोलते हैं, मतलब बाथरूम नहीं आया था, इस वजह से ना उनको ना वार्ड में शिफ्ट नहीं किया था। और कल सुबह 11 बजे उनका ऑपरेशन हो चुका था, पर उनको जो यूरिन नहीं हुआ ना, उस वजह से ना वार्ड में शिफ्ट नहीं किया था। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी चेयर है ओटी कॉम्प्लेक्स के बाहर। देख सकते हैं ओटी कॉम्प्लेक्स से आपको चल के वहाँ दिखाती हूँ। तो फिर ना मतलब अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ मतलब बाहर जाने को थी, घर पे जाना था मुझे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ओटी कॉम्प्लेक्स आपको कैमरा बैक करके दे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, आप लोग चेयर रखी हुई हैं ओटी कॉम्प्लेक्स के बाहर। और ये रहा, इसके अंदर एंट्री करनी है। आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, हॉस्पिटल के मेन गेट यही है। देख सकते हैं फ्रेंड आप लोग, एम्बुलेंस वगैरह सारी खड़ी हुई हैं। तो फ्रेंड करते हैं कैमरा। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ ऊपर वार्ड में, जहाँ खाना वाना लेके आई थी मैं। तो खाना वाना जो ना कल किसी ने खाया भी नहीं, वरना फ्रेंड मैं 2 दिन सारी मुझे भी भूख नहीं लग रही है। तो फ्रेंड मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो ऊपर बैठ के मम्मी से बात करने लग गई। तो फ्रेंड अब मैं जा रही हूँ वार्ड में, वार्ड में से जो खाना पीना है और सामान वगैरह है वो सब लेंगे। और फ्रेंड मेरे हस्बैंड की कंडीशन कैसी है वो भी आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। फ्रेंड मतलब यूरिन नहीं हो रहा था उनको, पर यूरिन अब हो गया है, कल से 2 बार हुआ है। और कंडीशन भी ठीक है, पर फ्रेंड कल ना थोड़ा सा ना हालत सीरियस थी, इस वजह से मतलब कि ना मतलब शिफ्ट नहीं कर रहे थे वार्ड में। और ना सबसे जितने भी मतलब पेशेंट थे ना, सबसे ज़्यादा हालत जो थी ना इनकी ख़राब थी, इस वजह से ना। और सबसे पहला ऑपरेशन जो था ना 8 बजे सुबह घुसे, और मतलब सबसे पहला ऑपरेशन 11 बजे सुबह इन्हीं का हो गया था। पर ना इनकी कंडीशन ठीक नहीं थी, इस वजह से ना मतलब इनको ना शिफ्ट नहीं किया। और ना यूरिन की वजह से भी रोक रखा था, और बीपी शुगर वगैरह देख के फिर उसके बाद वार्ड में शिफ्ट करते हैं। तो बीपी शुगर वगैरह भी ना ठीक है, शुगर पहले इनको शुगर आ रहा था, इस वजह से ना इनका ना ऑपरेशन हो नहीं रहा था। फिर शुगर लेवल देखा 105 है, उसके बाद फिर मतलब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, फिर इनका ऑपरेशन हुआ। तो फिर मतलब उसमें ओटी कॉम्प्लेक्स में मैंने बोला था शिफ्ट है, तो हो सकता है अभी मतलब कि मतलब यूरिन होने के बाद में थोड़ी देर बाद में इनको शिफ्ट कर देंगे। तो फिर मैं तो अब घर जा रही हूँ, क्योंकि सामान जो रखा हुआ है वो मुझे लेकर, और फिर मुझे दोबारा भी यहाँ पे आना है, क्योंकि घर से फोन बच्चे भी घर पे अकेले हैं, तो बहन को भी मेरे जॉब पे जाना है। तो फ्रेंड चलते हैं, हम लोग आए हुए लिफ्ट की ओर। देख सकते हैं आप लोग, इधर लिफ्ट है, मुझे ऊपर ऊपर मतलब 6ठी मंजिल पे जाना है। तो फ्रेंड हम लोग मतलब फिर सामान वामान लेके फिर मिलते हैं आपसे। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, जैसे जैसे हालत होगी मतलब ठीक ठाक होगी डिस्चार्ज के लिए कब बोलेंगे, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देती रहूँगी। तो फ्रेंड अभी हम लोग लिफ्ट के बाहर हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं, घर पे भी जल्दी जाना है। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, और फ्रेंड प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिए, और दुआ कीजिए ऊपर वाले से कि बस जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से घर पे मतलब कि डिस्चार्ज कर दें, घर पे चले जाए। क्योंकि फ्रेंड एक बार फिर से हमें यहाँ हॉस्पिटल में दोबारा आना पड़ेगा ट्रांसफर के कटवाने के लिए। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो बने रहिए, मिलते हैं आपसे आगे चल के। सो फ्रेंड देखिए, मेरे हस्बैंड जो है आईसीयू में है अभी, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर से इनको निकाल के आईसीयू में किया है। पर फ्रेंड इनको जो है मतलब यूरिन पास नहीं हो रहा है, इस वजह से ये यहाँ अभी एडमिट है। देख सकते हैं, मुझे नहीं पता था कि कल मुझे यहाँ रुकना पड़ जाएगा, पर फिर हस्बैंड के मतलब हालत ठीक नहीं थी ना, और फिर अकेले मेरी सास थी यहाँ पे, और फिर सुसु सुखाने के लिए मतलब चाहिए होता है।
तो इस वजह से फिर मैं रुक गई और फिर अब सुबह हो गया, मैंने 6 करीब हो गया, तो आप चलते हैं सामान लेंगे, फिर मिलेंगे चल के आपसे घर पे, तब तक आप लोग बने रहिए, मिलते हैं आपसे घर पे चल के। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ घर पे, देख सकते हैं, और हर्षू हमारा सो के उठ चुका है और मैं 6:30 बजे घर पे आ चुकी थी। शाम नहीं हुई बाबी, सुबह 7:30 हुआ है। गुड मॉर्निंग बोल दो फ्रेंड से। गुड मॉर्निंग गाइस। तो फ्रेंड हम लोग आ चुके हैं और देख सकते हैं रेनू चाय नाश्ता बना रही है, इधर देख सकते हैं ब्रेड सेक रही है, और इधर हमारे जो फ्रेंड कलर में खाना लेके गई थी किसी ने खाया नहीं, तो वो ना रोटियाँ आप लोग देख सकते हैं टिफिन में बचे पड़े हो, तो फ्रेंड उसको ना यही लगा के ना मतलब सेक रहे हैं और यही खा लेंगे, क्योंकि रोटी सही है फ्रेंड, इतना सारा खाना बर्बाद हो जाएगा, इस वजह से इसको घी लगा के और सब सेक के खा लेंगे, चाय नाश्ता हो जाएगा इसके साथ में, और फ्रेंड फिर ना मतलब यहाँ काम धाम हो जाएगा, उसके बाद में फ्रेंड मुझे अपने रूम पे भी जाना है, वहाँ पे भी सफाई वफाई करके बच्चों को नहला कर मुझे नहा के, तो फ्रेंड इसके बाद फिर हम लोग फ्रेंड मतलब कि खाने वाने की तैयारी करेंगे, और फिर मैं ना हो सकता है फ्रेंड शाम या दोपहर को ही निकलूँगी, क्योंकि फ्रेंड अगर मतलब फिर मुझे बच्चों को छोड़ के निकलना पड़ेगा, तो फिर खाना वाना तैयारी करके और नहाना, यहाँ पर भी काम धाम है और वहाँ पर भी काम धाम है, तो यहाँ का रेनू काम वाम करेगी और वहाँ का मैं काम वाम करके, तो फ्रेंड फिर निकलेंगे, तो फ्रेंड चलते हैं, नाश्ता वास्ता मतलब सपोर्ट अपना बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ अच्छा लाने की कोशिश करेंगे, कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे, तो फ्रेंड अभी तो अभी कुछ दिन तक तो फ्रेंड हमारा ये हॉस्पिटल वाला ही ब्लॉग चलेगा, क्योंकि फ्रेंड अभी वहीं एडमिट है, तो फ्रेंड स्टार्टिंग तो हमारी यहाँ से वहाँ तक की आया करेगी, तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइस।